गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? मस्त? मैं भी मस्त। देखिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन दो पासे वाले कराए थे और उसके बाद उदाहरण में पासे का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सॉरी उदाहरण नंबर सात। उदाहरण सात कहता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पांच से एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो उछाला जाता है तो पांच से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? यह है भाई क्वेश्चन। एक मैंने कल आपको बताया था कि एक पासे को फेंका जाता है या उछाला जाता है तो फिर संभावनाएं क्या होती हैं? एक पासे को उछालने पर संभावनाएं एक पासे को उछालने पर संभावनाएं कुल घटनाओं की बात करते हैं कितनी हैं? तो कुल घटनाएं बराबर पासे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पासे के लिए आधार 6। कितना? 6, क्योंकि पासे में 6 पहलू होते हैं, इस वजह से आधार 6। और एक पासे को उछालने पर कितनी बार उछलवाने की बात कर रहा है? वो एक बार उछल रहा है भाई, तो इसका मतलब 6 की घात 1। जितनी बार या संख्या में जितने होते हैं उसको घात बनाते हैं अपन, तो 6 की घात 1 का मतलब है 6। ये हो गई कुल घटनाएं। अब ये कुल घटना कौन कौन सी हो सकती है भाई? एक हो सकता है, एक आ जाए, पासे को उछाला और नीचे डाला तो इसका मतलब हो सकता है एक आ जाए, दो भी आ सकता है, अपने ऊपर तो कुछ नहीं, स्वतंत्र घटना है ये, जो हमारे पास कुछ रहता नहीं है और जो घटित हो जाता है अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, बस अपने हाथ में इतना है कि पासे को लिया और उछाल दिया। रिजल्ट जो आएगा वो तो नीचे गिरने पर ही आएगा भाई। तो हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है दो आ जाए, या हो सकता है तीन आ जाए, चार भी आ सकता है, पांच है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। हाँ, ये हो गई कुल घटना है। जो संभावना हो सकती है वो ये है। अब वो कह रहा है, देखो अनुकूलन क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है हमसे? पांच से छोटी या उसके बराबर, पांच से छोटी या उसके बराबर आने की संभावनाएं शर्त दो है, पांच से छोटी संख्या जो ये घटनाएं हैं कुल घटनाएं इनमें पांच से छोटी या उसके बराबर, पांच से छोटी 4 तक, या फिर उसने दूसरी बात यह रखी है उसके बराबर, इसका मतलब या तो 5 आ जाओ छानने पर या 5 से छोटी कोई सी भी संख्या आ जा। तो भाई ये क्या हो गई अनुकूल घटना, 5 आ जाए या 5 से छोटी आ जाए,
तो इसका मतलब है अनुकूल घटनाएं, बराबर पांच। तो प्रायिकता निकाल देंगे, हर बार फॉर्मूला लिखना है, मैं हर बार कह रहा हूं आपसे, नंबर है चार नंबर, ऐसे क्वेश्चनों के चार नंबर क्यों, हर स्टेप के नंबर है। प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं, बटे कुल घटनाएं, इसका मतलब अनुकूल घटनाएं हैं पांच और कुल घटनाएं कितनी हैं छह। आंसर हो गया भैया। अब इसकी जगह पर ये कोई जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आ जाए, आप तो ये भी कह सकता है, मान के चलो क्वेश्चन ये है कि एक पासे को एक बार उछालने पर, क्वेश्चन अगला इसमें है नहीं लेकिन बन के तो आ सकता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो पांच से बड़ी संख्या आने की, तो अगर ये आ जाता है मान के चलो पांच से बड़ी एक बार उछालने तो अनुकूल कुल घटना है तो छह ही है तो फिक्स है, पांच से बड़ी इनमें देखिए पांच से बड़ी क्या है भाई, पांच से बड़ी ये है छह, इसका मतलब अनुकूल घटना हो गई, अनुकूल घटना बटे कुल घटना के हिसाब से पांच से बड़ी पासे को फेंकने पर एक ही संख्या होती है छह, तो एक है वो, एक आ गया और कुल घटना छह, एक बटे छह आंसर हो जाएगा। यदि वो कहता कि पांच से बड़ी या पांच के बराबर, तो पांच से बड़ी तो एक है छह जिसका नाम छह, और पांच के या उसके बराबर मतलब पांच के बराबर इसका मतलब पांच और छह उस कंडीशन में दो बटे छह आंसर हो जाता। अगर क्वेश्चन की भाषा चेंज होती है कुछ भी पूछता है, ऐसे ये भी पूछ सकता है तीन या तीन से छोटी संख्या आने की प्रायिकता तीन बटे छह ऐसे हो। अब अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 11, ये जो उदाहरण नंबर 11 है ये उदाहरण नंबर 2 है भाई, रिपीट हो गया, ये डबल प्रिंट हो गया है कि दो पासे को फेंकने पर अंकों का योग साथ आने की प्रायिकता, ये तो उदाहरण नंबर 2 था और इसी को दोबारा से प्रिंट कर दिया है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग साथ हो, बात यह की है वो घुमा के उसने क्वेश्चन वही पूछ रहा है संख्याओं का योग होना चाहिए, मतलब किसी एक कोष्टक को जोड़ने पर, किसी एक कोष्टक को जोड़ने पर सात आना चाहिए उसके अंकों को जोड़ने पर, तो वही क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2 ही उदाहरण नंबर 11 है, उदाहरण नंबर 11 ही उदाहरण नंबर 2 है, या 2 या 11 दोनों समान है, एक ही क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली में, अब प्रश्नावली के पासे वाले क्वेश्चन की बात है, सिक्के वाले में करा चुका हूं आपको, पासे का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, फिर वही क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, यह आपको खुद करना है। एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की, एक पासे को फेंकेंगे तो घटना है तो वही छह हो गई, 1,2,3,4,5,6 चार से बड़ा अंक, चार से बड़ा अंक का मतलब क्या है, चार से बड़े कौन होते हैं, पांच और छह होते हैं भाई, इसका मतलब अनुकूल घटना कितनी हो गई, दो, और कुल घटना छह, दो बटे छह काट के दो के पाड़े से, वो आप एक्सप्लेन करेंगे उसे जैसे मैंने पूरे सॉल्यूशन किया है ऐसे,
तो 2/6 का मतलब 1/3 और करेंगे आप इसे। अगला क्वेश्चन पासे का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है भैया, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, उछलने दो हमें, इसकी क्या प्रांतता है कि संख्याओं का योग। फिर वो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग डैश कर दिया है उसने। रोमन संख्या में पहला क्वेश्चन पूछा है उसने हमसे कि 9 है संख्या, इसका मतलब संख्याओं का योग 9 हो जाए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। और दूसरा क्वेश्चन यह है 13 है, यह है भैया हो है इसकी जगह पर हो। यह है 2 क्वेश्चन, प्रोसेसिंग वही है अपनी, कौन सी वही पुरानी। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को 2 बार, 2 रिजल्ट की बात आ गई, अरे 2 पासों को एक साथ उछलवा तो 2 रिजल्ट आएंगे, तो वही 36 कोष्टकों वाला खेल बनेगा। और एक पासे को 2 बार उछलवाता है तो कहानी एक ही तरह से, एक पासे को 2 बार उछलवा तो 2 रिजल्ट आते हैं, और 2 पासों को एक साथ उछलवाता है तो 2 रिजल्ट आते हैं। एक पासे को 2 बार उछालने पर संभावना है, संभावना है वही 1.1, पहले आप बता दो कुल घटना है, कुल घटनाएं पासे को फेंकवा रहा है तो पासे में 6 पहलू होते हैं भैया, और कितनी बार है उसको घात बना देते हैं 36 कुल घटनाएं। इसका मतलब घटनाएं इस प्रकार से घटित होंगी, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, आगे आगे वाले कोष्टक में आगे वाली गिनती को स्थिर रखते हैं और पीछे वाली को एक एक बढ़ाते जाते हैं 6 तक, क्योंकि 6 होते हैं पासे की पहली, 1-5, 1-6, इसका मतलब है 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, कोष्टक के लिए जो कोष्टक आने चाहिए इससे आपको सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, 4-5, 4-6, ऐसे ही 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, 6-1, 6-2, 6-3,
छह चार और छह पांच छह छह, ये है भैया। एक परसेंट घबराना नहीं है, चार नंबर पक्के हैं। अब वो कह रहा है पहला क्वेश्चन, अंकों का योग, संख्याओं का योग या अंकों का योग, एक ही बात है। संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? नौ। नौ हो तो ऐसे कितने कोष्टक हैं जिनमें दोनों संख्याओं को जोड़ने पर नौ मिल रहा है हमें? देखो भैया, ये रहा, तीन और छह को जोड़ने पर नौ हो रहा है। बरसात कर दो, जो बरसात के बीच में आ जाएगा वो बह जाएगा, और जो बह गया सो बह गया, और जो बहेगा ना मेरे पर रुकेगा ना आपका। इसका मतलब एक दो तीन चार, दो लाइन में नहीं, अनुकूल संख्या हो, अनुकूल संभावना है। भाषा पूरी देंगे एक्सप्लेन करके, कोष्टकों को लिख दो आप। तीन छह जो बरसात में आ गई, चार पांच, पांच चार और छह तीन, ये है भैया। इसका मतलब है अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, कितने कोष्टक हैं ये? चार। तो कुल घटनाएं आपके पास है, पहले निकाल दिया आपने, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं भैया चार हैं और कुल घटनाएं छत्तीस हैं भैया। चार एकम चार और चार नाम छत्तीस, एक बटे नौ आंसर, ठीक है नंबर, ठीक है। दूसरा, संख्याओं का योग ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, संख्याओं का योग हमसे बारह भी पूछ सकता है। अच्छा, संख्याओं में यह कह रहा हूं, अगर वो कहता है प्रायिकता निकालो इसमें संख्याओं का योग बारह हो, बारह तो भैया बारह तो यही कोष्टक एक मात्र रहेगा, छह और छह जोड़ेंगे तो बारह होगा, इससे पहले के किसी भी कोष्टक को जोड़ो बारह से कम ही बनेगा। तो हाईएस्ट जोड़ने पर बारह बन सकता है संख्याओं का योग, वो सिर्फ लास्ट के कोष्टक से होता है। बड़ी से बड़ी जो पासे की अंक होता है छह, और दो रजत आ रहे छह और छह, छह और छह, इसका मतलब इसमें आ रहे लास्ट वाले में। ऐसे हमसे कुछ भी पूछ सकता है वो, अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता, तो 11 देखिए 5 और 6 को जोड़ने पर 11, और यहां से बरसात होगी तो बरसात में सब कुछ इतने दो बहेंगे, 6 और 5 दो कोष्टक बह जाएंगे बरसात में, 5 और 6 11 और 5 और 6 11 और कोई नहीं आएगा भाई। तो संख्याओं का योग 13 हो उस कंडीशन में, 13 अनुकूल संभावनाएं, अरे भाई 13 ऐसे कोई वो थोड़ी है क्या 13 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी थोड़ी आ सकता है, घर की पंचायत थोड़ी ऐसे आ जाएगा। इसका संख्या में 13 कैसे आएगा? हाईएस्ट तो 6 और 6 12 यही है भाई, 6 और 7 थोड़ी जोड़ देंगे, 7 तो अंक होता ही नहीं है ना, तो 13 आने की संभावना तो है नहीं किसी भी कोष्टक को जोड़ के देख लो आप। इसका मतलब है अनुकूल घटनाएं
अनुकूल घटनाएं 13 आने की अंकों का योग। जीरो है भैया, कोई नहीं है, ऐसा कोई सा कोष्टक नहीं है, ब्रैकेट नहीं है जिसमें दोनों अंकों को जोड़ने पर 13 आ जाए। नहीं है तो फिर जीरो है तो गिनती में लेते, नहीं है तो नहीं है। इसका मतलब है प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं 0 और कुल घटनाएं 36, और 0 में जब कोई संख्या भाग देती है तो 0 ही आता है, ये हो गया आंसर प्रायिकता 0। मैंने सीमा में आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो, जब चैप्टर को शुरू किया था उस कंडीशन में प्रायिकता की निम्नतम सीमा 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। इसका मतलब देखो प्रायिकता अधिकतम 0, कम से कम 0 आ सकती है और अधिकतम 1 आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आएगा आंसर। ठीक है भैया, अब देखिए ये अब कोई पासे का क्वेश्चन नहीं है इसमें। कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं रहा, मुझे देखने में दिक्कत हो, मतलब दिखा नहीं वो, उसको आप देख लें यहां, उसमें चेंज कर लें। कल क्वेश्चन नंबर वो था अधिक से अधिक वाला 7वां, 18.1 का 7वां दोबारा से देख लें आप उसमें चेंज कर लेना। सब कुछ सही था उसमें, एक चीज को मतलब गिनना में रह गया, दिमाग से उतर गया, उसको गिना नहीं मैंने। इसका मतलब दो सिक्कों को एक बार उछालने पर 4 घटनाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया था HH, HT, कुल संभावना ये थी, TH या DT ये थी। तो उसने ये कहा था कि एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्टाने की प्रायिकता, अधिक से यहां तो मैंने लिख दिया था अधिक से अधिक एक पट आने की अनुकूल घटनाएं, उसमें मैंने 2 कर दी थी भाई। अधिक से अधिक का मतलब एक आनी चाहिए, अधिक से अधिक एक पट का मतलब 10, एक टी उससे ज्यादा नहीं आएगी, टी कम कितनी भी आ जा, एक से कम आ जा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आ जा। इसका मतलब एक ज्यादा वाली को तो लेंगे ही नहीं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब अधिक से, आपसे कोई कहे कि अधिक से अधिक कितना खाए, 2 रोटी खा सकता हूं भाई, अधिक से अधिक 2, इसका मतलब 2 से ऊपर नहीं, 2 नहीं मिलेंगे, 1 मिलती तो 1 तो खाई लोगे। इसका मतलब HP ये वाला, और कम से कम मान लो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिनती में आएगी, कम से कम की वैल्यू उसमें शर्त नहीं लगी है, अधिक से अधिक एक की गई है उसने। इसका मतलब उसमें कर लेना आप, कल वाले क्वेश्चन में अनुकूल घटनाएं 3 हो गई ये वाली, और कुल घटनाएं 6 है, 3 एकम 3 और सॉरी 4 है, 3/4 हो गया आंसर। ठीक है, ये है, कल आपके लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे पत्ते वाले, ताश की गड्डी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, हल्का सा मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं भैया, ताश की गड्डी, एक ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या होती है, पत्तों की संख्या 52, अधिकतर सभी जानते हैं, 1-2 को छोड़ के, लेकिन आप लोगों में से सब जानते हैं, मैं जानता हूं सब, कभी थोड़ा बहुत तो खेले होंगे पत्ते। पत्तों की संख्या 52 होती है गड्डी के अंदर, और
रंग के आधार पर, कल भी लिखाऊंगा मैं कल आपको शुरू में, रंग के आधार पर पत्तों के प्रकार, रंग के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, चार नहीं सॉरी दो प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से? लाल और काला, लाल और काले, चिड़ी और हुकम के पत्ते होते हैं वो काले होते हैं, और ईंट और पान के जो पत्ते होते हैं वो लाल होते हैं। रंग के आधार पर पत्ते दो प्रकार के होते हैं, और जाति के आधार पर, जाति के आधार पर पत्तों के प्रकार, जाति होती है कि नहीं, जैसे हमारे समाज में भी है, तो जाति के आधार पर पत्ते होते हैं चार प्रकार के। चार कौन कौन से प्रकार हैं आप सभी जानते हैं, खेले होंगे मुझे पता है, चिड़ी, हुकम, पान और ईंट, ये चार होते हैं भाई जाति के आधार पर। और एक जाति में 13 पत्ते होते हैं, तो चार जाति है, सब में 13 हो गए, 13 चौक 52 पत्ते हो गए। तो ये हो गए, कल भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, 13 चिड़ी के हो गए, 13 हुकम के हो गए, 13 पान के और 13 ईंट के, इसका मतलब 52। इसमें भी ऐसे होते हैं जैसे चिड़ी, सब में फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब चेहरे वाले, चेहरे वाले पत्ते, चेहरा जिसमें दिखता है, तस्वीर जिसमें दिखती है, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर दहला के बाद भाग बाद कही गुलाम, बेगम जिसे क्यूर बोलते हैं अपन, रानी या फिर बेगम कह दो उसे, किंग बादशाह या राजा कह दो भैया, पहले कुछ भी नाम हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। अब 3 हो गए, इसका मतलब चिड़ी में भी ये होंगे चेहरे वाले पत्ते, हुकम में भी होंगे चेहरे वाले पत्ते, और पान में भी होंगे चेहरे वाले पत्ते, और ईंट में भी होंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। अब आपसे कोई पूछ जाए कि चेहरे वाले पत्ते या फेस कार्ड कितने होते हैं एक ताश की गड्डी में, 12 3 चौक 12, ठीक है भैया, कल मैं लिखा दूंगा ताश की गड्डी के बारे में, और ऐसे लगा दिया और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से मैथ को करें, अब लगभग आप पे प्रायिकता करना आ गया है, आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके लिए ग्रुप पर, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप पर स्कूल की पर, उनसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा बुक की, कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपके मोबाइल पर आ जाएगी, फिर आपको उसको खोल के प्रश्नावली, सभी प्रश्नावली, जिस प्रश्नावली को आपको निकालना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगी, और खुल जाएगी तो वो एक्सरसाइज आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं,
बस आप तो पढ़िए और हमें 100 में से 100 नंबर चाहिए। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। ओके बाय।